द्वयी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम हरि राम 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 बलहरि हरि हरि संजत कर सकते हैं, उसको हम संभाल सकते हैं, लेकिन जो अंदर का जो मानस है हम इसको फिर कैसे, ये मन को फिर हम कैसे संभाल सकते हैं, इसको कैसे अनुशासन कर सकते हैं। इसलिए लिखे श्री रामचरित मानसम, नीचे क्या है मानस, उसको ऊपर में क्या श्री राम, ये मन इतने चंचल है। द्वापर युग में श्री अर्जुन खुद कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। बाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, फिर मन कंट्रोल कैसे होगा, फिर मन कंट्रोल कैसे होगा है? तब यहाँ पर बताए बोले परम दृष्टा निवर्तन्ते, जब तक कोई श्रेष्ठ वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते ना, निकृष्ट वस्तु को हम छोड़ नहीं सकते। जैसे जीवन में हम गुड़ खाए, जीवन में हमने और कोई मीठा नहीं खाए, अगर हमें पूछा जाए भैया जगत में सबसे मीठा क्या है, हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले गुड़ जैसे दुनिया में कोई मीठा है ही नहीं। लेकिन जो रसगुल्ला खाए, पोड़ो पीठा खाए, लेडी इन चमचम रसमलाई खाए हैं, और जो राबड़ी खाए उसको पूछा जाए सबसे बढ़िया मीठा क्या है, वो बोलेगा गुड़ सबसे बढ़िया मीठा है। बोले गुड़ कोई मीठा होता है, बता रहे। बोले लेडी इन चमचम रसमलाई पोड़ो पीठा खाए नहीं ना, हैं रसम हैं इसकी सब चीज खाए नहीं, इसलिए तुम गुड़ का सर्वश्रेष्ठ मीठा कहते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब तक हमें कोई उन्नत टेस्ट नहीं मिलता है ना, कहते उसका जो नीचे का जो टेस्ट है ये टेस्ट को हम छोड़ नहीं सकते। अगर कोई बोले काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, छोड़ नहीं सकते, इतना भी जाएगा नहीं दिल से। इसलिए क्या करो, बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, जो विरक्ति ये तृतीय स्टेज में आया विरक्ति, पहले विरक्ति नहीं, बोले छोड़ो 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 नहीं जोड़ो, छोड़ो नहीं जोड़ो, बोले किस में, बोले जगन्नाथ की चरण में जोड़ दो, पहले भक्ति करो। भक्ति जब हम करेंगे उसके बाद में क्या होगा, भक्ति करने बोले परेशान भव, उसके बाद में फिर हमें भगवत अनुभूति होगी। लेकिन जब हम भगवत अनुभूति होएगी उसके बाद में क्या होगा, बोले विरक्ति अन्यत्र, तृतीय स्टेज में बताया विरक्ति आएगी, उसको पहले विरक्ति नहीं आ सकती है। भले ही जितने चेष्टा कर लो, ब्रह्मा शंकर नारद इनका जीवन में भी दिखाया माया इनको भी नचा दी, इनको भी नचा दी माया है। इसलिए कहते हैं बोले जैसे उदाहरण दिया, जैसे जब हम भोजन करते हैं कहते एक साथ में तीन चीज होता है, कितना चीज होता है, क्या क्या होता है, तुष्टि पुष्टि है खुदा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि तुष्टि पुष्टि, उसके बाद में श्लोक बोलो तुष्टि मुष्टि खुदा निवृत्ति कहते। इसलिए कहते भोजन करने का साथ एक साथ में तीन चीज होती है, जैसे भोजन का साथ साथ में जब एक ग्रास खाते हैं कहते एक ग्रास के परिमाण क्या होता है, पेट भर जाता है। दूसरे ग्रास खाओ तो दूसरे ग्रास के परिमाण से पेट भर जाती है, तीसरा ग्रास खाओ तो तीसरा ग्रास परिमाण में पेट भर जाती है। कहते खाने का साथ साथ एक तो पेट भर गया, उसको बाद में शरीर में फिर ताकत आ गया, फिर क्या होगा, फिर हमारी ताकत आ गई उसके अंदर में, फिर क्या हो गया, शरीर में खिदा निवृत्ति हो गया, शरीर में ताकत आ गया, उसको साथ साथ में तुम्हारी तुष्टि हो, तुम्हारी तृप्ति हो गई, एक साथ में तीन काम होता है, हैं? कहते उसी तरह भक्ति करने पर भगवत अनुभूति, जितने परिमाण से भगवत अनुभूति होगी
उतना परिमाण से ये माया को हम दूर कर सकते हैं। बिना अनुभूति किए अगर ये माया है, ये माया है, ये माया है, सौभर इसने हम कितना दिन मंदिर में वास किए, दो एक साल है, सौभर इसने पानी में 60,000 साल पानी को अंदर में बैठी कर की, ने 60,000 साल तपस्या किया, और दो मछली को उन्होंने देखा दोनों क्रीड़ा कर रहे, उन्होंने देखा भैया ये तो बड़े खुश में है, ये तो बड़े आनंद ले रहे, बड़े मस्ती ले रहे, और हम साधु बन करके पानी को अंदर में हाँ? पानी को अंदर में तपस्या कर रहे, बेकार है। उसने क्या किया, मानता था कि एक बेटी नहीं उसकी 50 बेटियों को उन्होंने शादी किया, 50 बेटियों को उन्होंने शादी किया सौभर ऋषि ने। इसलिए यहाँ पर इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या, बोले रामचरितमानसम, रामचरितमानस। अगर ये मन को ऊपर में, मानस नीचे रह गया, उसको ऊपर में राम चरित, अगर ये मन के ऊपर में श्री राम का चरित्र को अगर ये मन के ऊपर रख लो ना, बस कहते ये अपने आप जो अंदर का जो इंद्रियां हैं वो अपने आप तृप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा श्री राम चरित मानसम, इसलिए इसका यही कारण है। तो जिस समय एक उदाहरण देकर समझाई कथा करो ने, जब समुद्र मंथन हुई, समुद्र मंथन से 20 निकला, जब 20 निकला भैया ये 20 को कौन पिएगा, तो उन्होंने श्री भोले बाबा को पास में गए 20 लेकर के, बोले देखो शंकर जी ये 20 को लो। बोले क्यों, बोले नियम है ना जो पहला चीज है ना बुजुर्गों को देनी चाहिए पहला चीज किसको देनी चाहिए, जो बड़े व्यक्तियों को देनी चाहिए, हम जगत में सबसे बड़े हैं। समुद्र मंथन हुई और समुद्र मंथन से निकला क्या निकला, उसमें निकला 20, बड़े व्यक्ति को देनी चाहिए पहला चीज, इसलिए हम जगत में सबसे बड़े सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए ये चीज को लो। शंकर जी ने देखा देवता तो बड़े दुष्ट है, हैं? कि बाद में जितने बढ़िया बढ़िया हैं, बाद में जितने बढ़िया बढ़िया चीज निकलेगा ये सब के सब ग्रहण करेंगे, और ये ला करके हम क्या दे दिया, हमें ये हमें 20 दे दिया। इतने में शंकर ने क्या किया, पूरा टन के टन का 20 को उन्होंने पान कर लिया, पान करके उन्होंने कहाँ पर धारण किया, अपना गले में धारण किया, गले में धारण किया तो क्या हो गया, गला उनकी गला नील पड़ गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नील कंठ नाम पड़ गया शंकर जी को। जब शंकर जी ने ये टन के टन 20 पी लिया, बाद में सब देवता लोग सोच रहे भैया 20 पीना कोई साधारण बात है, टन के टन 20 पीना, एक बूंद अगर हमें 20 पिला देना हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन उन्होंने टन के टन 20 कैसे पी लिया। इतने में देवता लोग ने आए, बोले भोले बाबा ठीक ठाक हो ना, 20 पीने का मतलब तुम ठीक ठाक है ना, बोले बड़ी मस्ती में आनंद में है। बोले कैसे, अब टन के टन 20 पी लिया कुछ हुआ ही नहीं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, तो देखो पहले तो मैंने क्या किया, नीचे राम रख लिया, नीचे रख लिया मैंने राम को, मैंने नीचे रख लिया, उसको ऊपर रख दिया 20 रख करके ना, फिर उसको ऊपर में राम का रूपी ठिपी को लगा करके, जैसे किसी बोतल में कोई चीज रखते हैं ना, इसलिए नीचे रख दिया राम, उसको बीच में रख लिया 20, और उसको मैं ऊपर ठीप लगा दिया, ठिपी मतलब क्या हो गया राम, क्या हो गया विश्राम, क्या हो गया विश्राम, मतलब शंकर जी शिक्षा देते हैं, अगर भगवान को अगर अपना दिल में अगर स्थान दे दो ना, भगवान को अगर अपना विश दे दो तो क्या होगा, जीवन में तुम्हें विश्राम मिलेगा, जीवन में तुम्हें विश्राम मिलेगा, ये विष भी तुम्हारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसका तात्पर्य है भले संसार में विष ही विष है, संसार में विष ही विष, संसार में और कुछ है ही नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननंद से दुखी, दुखी दुखी, लेकिन ये दुख अंदर में भी अगर उसको बीच में भगवान का राम को अगर हम सेंटर बना दे, भगवान को अगर बीच में रख देना, बस क्या होगा तुम्हारे जीवन में विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये ग्रंथ का नाम रख दिया रामचरितमानसम, रामचरितमानसम मतलब मन के ऊपर में रामचरित्र को उसके ऊपर निर्माण कर दो तो बस क्या हो जाएगा, फिर तो तुम्हारी अंदर का जो मन है वो शांत हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ये ग्रंथ का नाम उन्होंने रामायण नहीं रख करके रामचरितमानस ये ग्रंथ का नाम उन्होंने रख लिया।
बोले श्री रामचरित मानस अब की। आज थोड़ी सी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की थोड़ी सी हम कथा सुन लेते हैं, ये कैसे इतने बड़े साधु बने हैं, इनका जीवन चरित्र क्या है। कहते उन्होंने प्रयाग को पास में बांदा जिला में राजपुर नाम का एक ग्राम है, जहां पर कहते कि आत्माराम नाम का एक दुबे, दुबे मतलब जो दो भेदों को जानने वाले हैं, उनको घर में उन्होंने जन्म हुए, जिनकी माँ का नाम थी हुलसी थी। जब उन्होंने जन्म ग्रहण किया, उन्होंने साधारण रूप में बच्चे गर्भ में 9 महीना रहते, लेकिन मातृ गर्भ में उन्होंने 12 महीना मातृ गर्भ में रहे। लेकिन जब उन्होंने जन्म हुए, कैसे जन्म जब हुए, जैसे एक 5 साल का बच्चा जन्म लेता है, 5 साल का बच्चा, ऐसे उन्होंने जन्म लिए। और उनका 32 दांत था, और उन्होंने जन्म लेते ही सबसे पहले उनका मुंह से जो नाम निकला, श्री राम नाम निकला। और अगर किसी माँ के पेट से कोई बच्चा जन्म 5 साल का हो और उसका 32 दांत हो, फिर क्या होगा। वो इतने डर गई, बोली ऐसे कैसे बच्चा जन्म ग्रहण किया है, 5 साल के बच्चे पूरा के पूरा दांत उसकी है, पूरा के पूरा उसकी 32 दांत को साथ में उन्होंने बड़ा उसकी अनिष्ट सोचने लग गई, पता नहीं बच्चा कैसे। तो जब उसकी 10-12 दिन हुई, उनके घर में एक दासी थी, डर के मारे उन्होंने किया क्या, वो दासी को बच्चे को देख कर उनका पियर में उसको भेज दिया। जब भेज दी, दूसरे दिन उनकी माता ने भी शरीर छोड़ दी। अभी उसने वो दासी को पास में 5 साल तक दासी ने उनको पालन की। पालन करने के बाद वो दासी भी अपना शरीर को छोड़ दी 5 साल उम्र में। अभी ये तो अनाथ हो गया है, ये अनाथ। और उन्होंने उसका बच्चा का नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम रखा, क्योंकि उन्होंने जन्म होते ही उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम रख दिया राम बोला। अभी अनाथ हो गया, अभी दर दर भटक रहा है। इतने में स्वयं पार्वती आकर के वो बच्चे को ध्यान देती थी, खिलाना पिलाना लालन पालन करना, ये माँ पार्वती उनकी लालन पालन करती थी। करते करते कहते श्री रामानंद संप्रदाय में कहते श्री अनंतानंद जी के एक प्रिय शिष्य श्री नरहरि आचार्य नंद ने उन्होंने ढूंढते ढूंढते ये बच्चे को उन्होंने प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने बच्चे को फिर अपना पास में रख लिया। पास में रख करके फिर उनको दीक्षा मंत्र आदि उन्होंने प्रदान की। लेकिन जब उसको गायत्री मंत्र बोलने के लिए गए ना, वो बोलने से पहले ही गायत्री मंत्र बोल दिया। बोले भैया कैसे बच्चा है, हाँ इतने छोटा बच्चा, अभी गायत्री मंत्र हम देने से पहले से ही है गायत्री मंत्र जानता है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को रामानंदी संप्रदाय में कहते ये कौन है, कहते स्वयं जो वाल्मीकि थे, ये वाल्मीकि ही कहते गोस्वामी तुलसीदास रूप में आए। क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण ये संपूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, इसलिए बाद में इसलिए जिस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब बड़े हुए, उन्होंने जब उन्होंने संस्कृत भाषा में जब कोई ग्रंथ, जैसे रात को संस्कृत भाषा में लिखते हैं दिन को, वो पेपर को रख लेते हैं, लेकिन सवेरे जब देखते हैं ना वो गायब, वो जो लिखा हुआ गायब। बोले ये क्या होता है, दिन में मैं लिखता हूँ कुछ और सवेरे देखता हूँ ये गायब है। पर शंकर जी ने आकर कहा देखो तुम उस ग्रंथों को तुम अपनी भाषा में लिखो, तुम अपनी भाषा में ये ग्रंथ को लिखो। इसलिए फिर उन्होंने श्री रामचरितमानस को शंकर जी के आदेश से और माता पार्वती की कृपा से उन्होंने श्री ये रामचरितमानस ग्रंथ को उन्होंने लिखे। जैसे हमारी संप्रदाय में हाँ जैसे हमारे संप्रदाय में जैसे प्रभुपाद ने कभी पूछा है ना सब शिष्यों को, बोले बताओ तो जगत में ऐसे कौन सा ग्रंथ है, अगर एक ग्रंथ ये जगत में रहे, अगर सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए तो एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करेगा। किसी ने बोले चैतन्य भागवत, किसी ने बोले भागवत, किसी ने बोला वेद, किसी ने बोला भगवत गीता, सब अलग अलग बोले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखो अगर जगत में दो ग्रंथ अगर जगत में रहे तो
ये दो ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करेगा। बोले कौन सा ग्रंथ? बोले एक तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ और दूसरे श्री चैतन्य चरितामृत। यदि ये दोनों ग्रंथ में अगर श्री मत भागवत ग्रंथ अगर अंतर्ध्यान हो जाता है, अगर एक ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ एक ग्रंथ अगर जगत में रहेगा, इतने अनमोल ग्रंथ है, कहते सारे ग्रंथ का अभाव ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ करेगा। इसलिए गुरु जी हमारे भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे, कहते जो रामचरित जो मानस है गुरु जी का बहुत प्यारा ग्रंथ था। गुरुदेव कहते थे जब मेरी रोने की इच्छा होता था मैं ये रामचरित मानस को पढ़ता था और दिन भर रोता था। पहले मैं ये समझता था शायद ये रामचरित ग्रंथ जैसे दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है सर्व। लेकिन गुरु जी कहते हैं, लेकिन जब मैं मंदिर में आया, जब मैंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को गुरु जी की अनुगत्य में ये ग्रंथ को जब मैंने अध्ययन किया, बोले नहीं भैया ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जैसे दुनिया में कोई ग्रंथ है नहीं। कभी कभी संस्कृत समझना आसानी है लेकिन चैतन्य चरितामृत का प्यार समझना इतना आसानी नहीं है। इसलिए ये रामचरित मानस को जो रामानंद संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय की बात छोड़ो, रामानंद संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जैसे हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रूप में मानते हैं, कदी रामचरित मानस को भी उन्होंने कदी सर्वश्रेष्ठ जितने ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए जब गोस्वामी ने ये रामचरित मानस ग्रंथ को लिखा, जब उन्होंने काशी में आए ये ग्रंथ को, जब उन्होंने जो काशी विश्वनाथ शंकर पार्वती की कृपा से उन्होंने लिखा है ना, आशीर्वाद से लिखा, इसलिए जब ये ग्रंथ को उन्होंने आ करके काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दिया था, जब मंदिर में रखे सवेरे जब देखा वो ग्रंथ ऊपर में सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं शंकर जी का हैंड राइटिंग, उनका साइन वो ग्रंथ में, मतलब शंकर जी ये ग्रंथ को शंकर जी ने स्वीकार किया है ग्रंथ को, हैं उन्होंने स्वयं शंकर जी अपना हस्ताक्षर उसको ऊपर लिखा हुआ शंकर जी की। अब ये ग्रंथ का महिमा तो सारा दुनिया में हैं काशी में एकदम फैल गया, रामचरित मानस जैसे ग्रंथ नहीं जिसको पर स्वयं शंकर भी स्वयं साइन किया और जिसको ग्रंथ को ऊपर में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ। लेकिन उस समय बड़े बड़े पंडित रहते थे, विद्वान रहते थे, काशी का जो विद्वान लोग थे लोग तो चिड़ गए, लोग चिड़ गए इसको ऊपर में, गोस्वामी तुलसी के ऊपर बड़ा क्रोधित हो गए, वो ऐसे कौन सा ग्रंथ लिखा, कहते शंकर भी स्वयं साइन किए और सत्यम शिवम सुंदरम ग्रंथ है। अभी इनकी बड़ी ईर्ष्या हुई, हाँ बड़ी ईर्ष्या हुई। जब बड़ी ईर्ष्या हुई इतने में इन लोगों ने क्या किया, दो चोर को भेजा ये ग्रंथ को चोरी करने के लिए। जब ये ग्रंथ को चोरी करके ले आओ, जब दो चोर रात को गए ये ग्रंथ को चोरी करने के लिए तुलसीदास जी को घर में, देखा स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों भैया पहरादार लगाए, इनकी कुटिया के दोनों तरफ चार तरफ में धनुष बाण लिए हुए मुकुट पहन करके, हाँ एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर पहन करके उनकी कुटिया को राम लक्ष्मण पहरादार दे रहे। भगवान तो बड़े सुंदर है ये, हाँ कहते चोर भी जिनको बोले सोचे रात को जब सो जाएंगे ना फिर ये ग्रंथ को हम चोरी करेंगे, लेकिन रात भर दोनों रात भर पहरादार देते रहे, देख करके सवेरे भाग गए। लेकिन उन्होंने तो प्रभु का दर्शन किया, प्रभु को तो दर्शन किया उन्होंने, लेकिन इतने सुंदर थे वो चोर का मन नहीं भरा। फिर दूसरे दिन सवेरे आए और तुलसीदास जी को सारे सही बात उन्होंने बताई, हैं बोले रात को आपके घर में हमने चोरी करने के लिए आए थे और देखा आपके दो चेले हैं, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, दोनों धनुष बाण लिए हुए, 13-14 साल के बड़े दो बालक, देखा ये आपके दो चेले कहाँ गए। बोले भैया हमने कभी जिंदगी में चेला बनाया नहीं। लेकिन जब उन्होंने वर्णना सुनी, धनुष बाण लिए हुए श्याम रंग के गौर रंग के सुंदर अलंकार पहने हुए थे, वो तो समझ गए ये तो मेरे प्रभु है। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके चरण में गिर पड़े, चोरों के चरण में। बोले भैया जिसकी भजन करते करते
जिंदगी भर जिसको मैंने दर्शन नहीं कर पाए और तुमने चोरी करने के लिए आया तो उन्होंने तुमने उनको दर्शन कर लिया। तुम लोग कितने भाग्यवान हो, तुम लोग ने ठाकुर जी को दर्शन किए। फिर उसको बाद में सुनाई पड़ता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, लोटे सोटे लंगूटे और कुछ है ही नहीं, लेकिन ये चीज को रक्षा करने के लिए भगवान रात भर पहरादार दिए। फिर उन्होंने सारे सामान को लेकर उन्होंने गंगा में बहा दिया, गंगा में उन्होंने बहा दिया। ठाकुर रात भर सोए नहीं है, रात भर सोए नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो ग्रंथ की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करने के लिए सारे उन्होंने जितने वेद वेदांत जितने सारे ग्रंथ था ना, सारे ग्रंथ को लाए। सारे ग्रंथ को ला करके उन्होंने रामचरित मानस को नीचे रख लिया और जितने ग्रंथ था सारे ग्रंथ को उसके ऊपर में सारे ग्रंथ को रख लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में हम देखते हैं क्या होता है, हैं? जब रख लिया फिर जब उन्होंने सवेरे गई ना, देखा ये रामचरित मानस सबसे ऊपर श्री रामचरित मानस, अरे समझ गए नहीं ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ ये है ही नहीं, ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इसलिए फिर उन्होंने एक विद्वान को उन्होंने भेजा जिसका नाम था क्या, सरस्वती, हाँ मधु, श्री मधुसूदन सरस्वती। तो ये मधुसूदन सरस्वती को फिर उन्होंने, समय अब नाम सुने होंगे इनका वो श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है, सठन के ना भी भय हटे ना दासी कृता गोभी बधु बिटे ना, ये बहुत बड़े विद्वान था सरस्वती वो, इसलिए फिर इनको उन्होंने भेजा आप जाकर ग्रंथ को देखो। उन्होंने जाकर के देखा ग्रंथ की सचमुच से ग्रंथ अनमोल ग्रंथ। फिर ये ग्रंथ को ऊपर उन्होंने एक श्लोक लिखा रामचरित मानस में, उस श्लोक क्या है, बोले आनंद कानन जस्मीन अंज मस्तु लसी करु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। ये श्लोक को उन्होंने रामचरित मानस है ग्रंथ की महिमा में लिखे, कहती है काशी रूपी आनंद वन में ये तुलसीदास चलता फिरता ये तुलसी पौधा है, ये चलता फिरता ये तुलसी पौधा है और उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है जिस पर से राम रूपी भ्रमर सता मडराया करता। इन्होंने ये श्लोक को उन्होंने इसको पर में लिखे। फिर ये रामचरित मानस ग्रंथ की बड़ी जगत में बड़ी महिमा। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में जाओ, हिंदी देश में जाओ, अभी इस समय ना राम रामनवमी, आप देखो गली गलियों में, वृंदावन में भी हैं, वृंदावन में भी और सारा दुनिया में देखोगे भारत में ये 9 दिन तक रामचरित मानस, 9 दिन तक पूरा के पूरा 24 घंटा ये रामचरित मानस पढ़ाई होता है। और अयोध्या में जाएगा तो केवल यही ग्रंथ हर समय, वृंदावन में भी जाओगे देखोगे यही ग्रंथ को सबके सब वृंदावन में भी साधु लोग इसी ग्रंथ को हर समय अध्ययन करते हैं। इसलिए ये जो रामचरित मानस है कहते गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बाद में फिर अपना घर में आए, आकर के एक सुंदरी लड़की से उन्होंने शादी की। लेकिन जब एक सुंदरी लड़की से उन्होंने शादी की लेकिन वो उनकी पत्नी सचमुच से बड़ी सुंदरी थी। फिर कुछ दिन बाद में उनकी पत्नी गई अपना पीहर, जब पीहर गई गोस्वामी तुलसीदास इतने आसक्त हो गए थे उसकी सुंदरता पर भी पीछे 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 चले। जब पीछे पीछे गए उनको पत्नी ने कहा आप कैसे आ गए, बोले तुम आ गए ना, मैं रह नहीं सकती तेरी बगैर। उनको पत्नी ने उनको थुतकारा, बोले किसको पर तुम आसक्त हो गया, ये शरीर तो एक टाटी पैसा फूट पीका के तली है, ये शरीर में कुछ है ही नहीं, शरीर में ऊपर में केवल एक चमड़ा से ढकी हुई है शरीर, ये अंदर में क्या है, अंदर में तो कुछ है ही नहीं, टाटी पेशाब खून पी। बोले ये जिस शरीर के प्रति तुम इतनी आसक्ति, अगर इसका एक आना अगर भगवान की प्रति असकर तुम लगा देता है ना, तेरा बेड़ा पार हो जाता। अरे मैं आई अपना पीहर थोड़ी दिन के लिए, तो पीछे 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 भाग गया। जो उन्होंने ये बड़ी कर्कस बास बोली ना, सचमुच से उसकी पत्नी की कर्कश शब्द सुनकर के इसको हृदय बड़ा ठेस पहुंचा, बड़ा ठेस पहुंचा। तो उन्होंने उसी समय में घर को त्याग दिया, त्याग देकर उन्होंने काशी में आए और काशी में आकर के उन्होंने अपना गृहस्थ वेश को उन्होंने त्याग दिया
और उनने साधु वेश को उन्होंने धारण किया। जो साधु वेश को धारण किया, इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी जो शौच क्रिया में जब जाते थे, एक लोटे में पानी लेकर के जाते थे, लोटे में पानी लेकर जाते थे, और शौच क्रिया को बाद में उसी पानी को एक नीम वृक्ष के ऊपर, जिसे उसके जड़ में डाल देते थे। लेकिन वो वृक्ष के ऊपर में, वृक्ष में रहता था ये प्रेत, भूत रहता था। कहते ये प्रेत जो भूत है वो कोई पवित्र पानी को नहीं पी सकते, अपवित्र पानी को ही पीते हैं। लेकिन वो शौच क्रिया का बाद का पानी था, वो जब डालता था वो प्रेत उसी पानी को पी पी कर रहता था। एक दिन प्रेत ने प्रकट हुआ, बोले गोस्वामी जी आपका पानी से ही मैं जीवन धारण कर रहा हूँ। बोले मैंने कब कब आपको पानी पिलाया? बोले शौच क्रिया के बाद में लोटे में जो पानी बच जाती है ना, उसका डालते हो ना, इसलिए मैं पवित्र पानी नहीं पी सकती हूँ, उसी पानी पी करके मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं तेरे पर संतुष्ट हूँ, अगर कुछ बर मांगना तो मेरे से बर मांग सकते हो। गोस्वामी जी कहा बहुत अच्छी बात है, ये कह रहे बर मांगो भूत। बोले एक काम कर सकते हो? बोले बताओ। बोले तुम राम लक्ष्मण का दर्शन दिला सकते हो? राम लक्ष्मण का दर्शन दिला सकते हो? प्रेत ने कहा अगर तुम्हें मैं राम लक्ष्मण का अगर दर्शन दिला सकता, मैं फिर क्या क्यों प्रेत बनकर बैठा? पहले तो मेरा ही उद्धार हो जाता, लेकिन मैं तुमको उपाय बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले देखो तुम अमुक स्थान पर जाना, देखना वहां पर रोज ये राम कथा होती है। ये राम कथा सबसे पहले एक रुग्ण शरीर महिला कपड़ा पहन करके हैं, एक वृद्ध व्यक्ति आएगा और आ करके सबसे वो पीछे बैठेगा, ऐसे नहीं बैठ जाएगा। नियम है हैं, नियम है तन वाक मनोवी, सबसे पहले कथास्थल को प्रणाम करेगा, कथा में बैठे हुए सब भक्तों को प्रणाम करेगा हैं, और हाथ जोड़ करके गदगद हो करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए वो कथा सुनेगा। जब कथा की विश्राम हो जाएगी, फिर सबको प्रणाम करते हुए, कथा स्थल को प्रणाम करते हुए फिर जाएगा। ये श्री हनुमान जी है, आप इनकी चरण पकड़ लो, बस राम दर्शन मिल जाएगा। देखो तुम्हें परीक्षा करेंगे, तुम्हें परीक्षा करेंगे, लेकिन तुमको बोले हटो, हमको स्पर्श मत करो, लेकिन छोड़ना नहीं, वो हनुमान जी है। बस उनने सचमुच से जब गए, देखा बात सही है, सबसे कथा से सबसे पहले आए, बैठ करके प्रेम में गदगद होकर कथा सुने, और जब जा रहे थे ना, बस इतने में गोस्वामी जी उनको चरण पकड़ लिए, बोले मेरे को छुओ मत, मेरे शरीर में कुष्ठ व्याधि, मैं नीच जाति का, तू अपवित्र हो गया, तू मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। बोले मेरे को पता है आप स्वयं श्री हनुमत लाल, मेरे को ये भूत ने बताया आप हनुमान जी है, आप कृपा करके हमें श्री राम लक्ष्मण का दर्शन दो। हनुमान तो बड़े दयालु, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हर जीव भगवान तक पहुंचे। बोले एक काम करो। बोले क्या है? बोले क्या घाट में, क्या घाट में? अरे कि घाट में, हाँ, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रघु। बोले चली जाओ चित्रकूट के घाट में। कौन कौन गए हो चित्रकूट में? कौन कौन चित्रकूट गए, हाथ उठाओ। इसलिए एक बार आप सबको ले जाएंगे, एक बार सबको ले जाएंगे चित्रकूट में। हाँ, एक बार हम लोग सब दर्शन करने के लिए गए थे, सारे सब सब पूरा पूरा सब दर्शन करके हम लोग ने आए थे सबके सब। कुछ दिन पहले भी हम लोग नहीं गया, फिर अयोध्या में कथा करने, केवल अयोध्या दर्शन किया है। इसलिए बोले वहां पर जब चली जाओ हैं, वहीं पर सरासरी तुम्हें काम करना, चंदन घिसना, और जो जो लोग आएंगे ना सबको चंदन का टीका लगाना। टीका लगाओगे तो बस क्या होगा, फिर राम लक्ष्मण रोज वो घाट में स्नान करने के लिए आते हैं, प्रभु का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी गए, जा करके चंदन घिस रहे थे, चंदन घिस कर जो आ रहे थे सबको तिलक लगा रहे थे। लेकिन गोस्वामी जी का एक स्वभाव था। बोले क्या स्वभाव था? ये कभी ना
ये अपना सर को उठाकर कभी नहीं देखते थे, कभी अपना सर को कभी नहीं